व्यूवर्स, दिस इज कैफली एयर फ्रॉम ग्लोब स्टडेंट बिल्डर्स टीम लेजेंड। डियर व्यूवर्स, आज मैं हाजिर हुआ हूँ बैरी ऑर्चर्ड फेस मोड में मेन बुलेवार्ड पे, जो कि 160 फुट वाइड मेन बुलेवार्ड है। यहाँ पर हाजिर होने का मकसद ये था कि यहाँ आपको बता चलूँ जो कि हाइट्स बन रही है GR25, उसकी लोकेशन बताऊँ आपको और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अगर हम बात करें GR25 की, तो ये 8-8 मरला 2 प्लॉट पे 16 मरला पे हाइट बनने जा रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो पीछे फ्लैक्स लगी हुई हैं, यही प्लॉट से 2 8-8 मरला के 16 मरला पे इसकी हाइट बनने जा रही हैं। यहाँ पर कमर्शियल शॉप्स और अपार्टमेंट दिए गए हैं 2.5 इंस्टॉलमेंट पर। अब इसकी लोकेशन की बात करें तो बिल्कुल अगर आप अड्डा प्लॉट से आ रहे हैं टूवर्ड्स बैरी ऑर्चर्ड ड्राइवन रोड पर, ड्राइवन रोड से आप जैसे एंटर होंगे फेस फोर में, तो आते साथ ही ये राइट साइड पे थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा GR25। ये आप देख सकते हैं पीछे फ्लैक्स लगी हुई हैं। अब इसकी अगर कमर्शियल शॉप्स और इंस्टॉलमेंट की बात, कमर्शियल शॉप्स और अपार्टमेंट की बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रहा है पेमेंट प्लान GR25 का। जो बेसमेंट शॉप्स हैं वो मिनिमम शुरू होती हैं 15 लाख से, 15,50,000 से। जो अपार्टमेंट हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट, वो शुरू होते हैं 33,81,000 से, जो कि 322 स्क्वेयर फिट का है। वन बेड अपार्टमेंट शुरू होते हैं 50 लाख से, जो कि 429 स्क्वेयर फिट का है। डी व्यूवर्स, इसमें ये 3 तरह की कैटेगरी हैं, ठीक है, शॉप, अपार्टमेंट, स्टूडियो, वन बेड। अब मैं आपको इसका स्ट्रीट व्यू दिखाऊंगा, इसके सराउंडिंग में कितनी आबादी आ चुकी है और मेन डायमंड रोड पे जो गेट है बैरिया ऑर्चर्ड का, वहाँ से लेके GR25 तक कितना डिस्टेंस है वो भी दिखाऊंगा। तो डी व्यूवर्स, मेरे वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। आज की सरमायाकारी, कल का मुनाफा।